बुरहानपुर जिले के सिलमपुरा क्षेत्र में रहने वाली किरण रायकवार की जिंदगी युवा उद्यमी योजना ने बदल कर रख दी है। किरण कभी अपने छोटे से घर में गारमेंट मेकिंग का काम करती थी। जब उसे 2017 में युवा उद्यमी योजना के बारे में जानकारी मिली तो उसने इस योजना के तहत 15 लाख रुपए का लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। आज किरण एक उद्योगपति बन गई है जो 30 से अधिक महिला और पुरुषों को रोजगार दे रही है। जब मैंने इस काम को शुरू किया लोन लेने के बाद, तो आज आपके सामने है कि मैं इस छोटे से व्यवसाय को एक उद्योग बना चुकी हूँ और करीबन 30-40 महिलाएं मेरे पास रोजगार से जुड़ी हैं। और समय समय पर तो ये भी होता है कि मैं इस शहर में करीबन 100-150 महिलाओं को रोजगार दे पाती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोन जो है बहुत आज की तारीख में बहुत आसानी से हमको उपलब्ध होता है, उसकी जानकारी हमको बहुत अच्छे से मिल जाती है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक साधन है कि वो अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। किरण ने MA, MSW और फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लिया, लेकिन कोई नौकरी नहीं लगी, इसलिए अपने एक छोटे से कमरे से साल 2000 में अपना फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया। साल 2000 में उन्हें शिवराज सरकार की स्वरोजगार को बढ़ावा देने की योजना का पता चला। उन्होंने आवेदन किया तो 15 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हो गया और उस पर 1.5 लाख रुपयों का अनुदान भी मिला। इसके बाद किरण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो हर महीने लाखों रुपए कमा रही है। मैंने सन 2000 से इस काम की शुरुआत की, घर से की थी, एक मशीन से मैंने शुरुआत की। उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि बहुत आसानी से लोन उपलब्ध होते थे या कोई योजनाओं की जानकारी मिल पाती थी। और धीरे 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 मैं इस काम को करती रही, लेकिन 2015-16-17 के आसपास मुझे ये सारी योजनाओं की जानकारी मिली और 2017 में मैंने युवा उद्यमी योजना में लोन लिया, जिसके लिए मुझे DIC ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, मेरे साथियों ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया, जिसमें मुझे 15% की सब्सिडी प्राप्त हुई। हाँ, मैंने अपने इसी कारोबार के बल पे अपने बेटे को पढ़ाया है, घर बनाया है, पूरे घर को अच्छे से संचालित कर पाती हूँ। किरण अपने 2 बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रही है। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गई है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। ऐसे में वो अपनी गांव की महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। उनके पास बड़ी संख्या में महिलाएं शिवराज सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए आती है। गृहिणी से उद्योगपति बनी किरण का सबके लिए एक ही संदेश होता है कि शिवराज सरकार की कई योजनाएं चल रही है, जिसके माध्यम से आप व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती है।